स्वास्थ्य संजीवनी के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र आर्य और मेरे साथ हैं भारत के जाने माने प्राकृतिक योग चिकित्सक श्री अनिल बंसल। आप या आपके परिवार में यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के रोग से पीड़ित है या कोई बीमारी बहुत लंबे समय से आपके घर को घेरे हुए है, आपका शरीर उससे ठीक नहीं हो पाता और तमाम तरह की दवाइयां करने के बावजूद आपको लग रहा है कि आपको लाभ प्राप्त नहीं होता, तो आप प्राकृतिक योग चिकित्सा के नुस्खे अपना सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम तक पहुंचने के लिए अनिल बंसल जी से प्रश्न पूछने के लिए आपके पास दो विकल्प मौजूद हैं। आप हमें टेलीफोन कॉल्स कर सकते हैं उन नंबर्स पर जो स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। आप अपना सवाल SMS के माध्यम से भी भेज सकते हैं। SMS का कोड है JAB स्पेस दीजिए, अपने स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना प्रश्न लिखिए और प्रश्न में खास तौर से यदि आपके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, कोई चेकअप आपने कराए हैं तो उनका उल्लेख भी आप कर सकते हैं। आपके शहर का नाम अभी भेज दीजिए 57575 पर। बहुत से दोस्त हैं जो IT से कनेक्टेड हैं, जो ईमेल के माध्यम से अपने सवाल भेजना चाहते हैं, उनके लिए भी एक विकल्प है, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल ID है bansalyoga@gmail.com। बंसल जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत। हमारे पास जो SMS आते हैं उन SMS में दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपको धन्यवाद लोग करना चाहते हैं, आपका टेलीफोन नहीं मिलता है, आपसे बात नहीं हो पाती है और अपनी फीडबैक हमें देना चाहते हैं। आपका जो दूध में हल्दी डालकर प्रयोग आप बताते हैं लोगों को, बहुत फ़ायदा पहुँचा रहा है लोगों को। दूसरा, जो छाछ का इस्तेमाल आप दोपहर के भोजन में बताते हैं, जीरा और हींग डालकर, उससे बहुत फ़ायदा लोगों को पहुंच रहा है। सेब का जूस बहुत सारे दर्शकों ने शुरू कर दिया है, वो कहते हैं दवाई से सस्ता है, इस नाते वो पी रहे हैं। मैं नेट शेल आपको जो इसका सार संक्षेप है SMS का, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अलग अलग तरह से पेट की व्याधियों से पीड़ित हैं। हाँ जी, गैस है, कब्ज है, खट्टी डकारें हैं, उल्टी है, लूज मोशन है, जो भी, और आजकल चूंकि गर्मियां हैं तो ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसके बाबत आपका परामर्श चाहते हैं, क्या करना चाहिए? देखो, अगर आदमी को मतलब कुछ भी ना कर सकता तो दिन में एक हड जो छोटी वाली हड़ है वो मुंह में डाल ले, पूरे दिन पड़ी रहने दे, वो पेट की बीमारियों को ख़त्म कर देती है। यानी पेट की जितनी भी बीमारियां, कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है, पेट में दर्द है, मरोड़ है, ये सब खत्म करता चला जाता है, पूरे दिन चूसते रहे। पेट पर फिर ठंडी पट्टी बांधे, उससे ही बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। तो पेट पर ठंडी पट्टी बांधे, टावल को निचोड़ा, टाइट करके पेट में बांधे, ऊपर से शॉल मुखलर बांध लिया, तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। अगर ज़्यादा ही देखो पेट में बार बार मतलब दर्द रहता है तो दो चार पुदीने की बूंदे पानी में मिलाकर वो पी लें, उससे ही बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे दिन में छाछ पिए, छाछ में क्या डालें, हींग डालें, जीरा डालें, अजवाइन डालें भून कर, थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं, अगर मान लो लीवर में सूजन वूजन है तो ये तीन चारों चीज़ें डालकर अगर छाछ दिन में दोपहर में घूट घूट कर पियेंगे या सुबह और दोपहर में दोनों टाइम में पी लें तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, पेट का दर्द ही नहीं रहेगा। पेट के दर्द में जब भी पेट में दर्द हो आप ठंडी पट्टी उसी टाइम तुरंत बांध देंगे तो पेट का दर्द आपका खत्म होता चला जाएगा। हमारे साथ एक देश की वरिष्ठ नागरिक जुड़ी हैं, गीता जी दिल्ली से, उनको शामिल करते हैं चर्चा में। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, क्या पूछना चाहती हैं? बस यही कि क्या होता है, मैं 65 इयर्स ओल्ड हूँ। हाँ जी। और मेरा ना वजन कम नहीं होता। अच्छा, वजन ज्यादा 85 है। और मेरे ना दोनों नी रिप्लेसमेंट हो चुके हैं। अच्छा अच्छा, फिर तो अच्छा। ये बताएं आप कब से प्रोग्राम देख रही हैं जी हमारा? मैं तो काफी दिन हो गए देख रही थी, फिर मेरी हिम्मत नहीं चल रही थी कि मैं पूछूं नहीं पूछ लो, क्या बात है, मेरा फर्ज है जी बताने का, ऐसी बात थोड़ा। लेकिन प्रोग्राम आपने देखते कोई उपाय किया हमारा जी वैसे आज तक? हाँ जी क्या उपाय किया? मैं इतनी दवाइयाँ ले चुकी हूँ, इतना कुछ कर चुकी हूँ, पर वजन ना मेरी मेन वेट हो जाता है मेरी लेग्स में। अच्छा, नहीं लेग्स में वेट है तो नहीं। हमारा कोई उपाय किया आपने अभी तक 65 साल के मतलब? नहीं, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने बस यही सुना कि आप पेट पे पट्टी बांधिए। हाँ जी, मतलब मैं जिसको बोलते हैं आप भी खुराक भी देखेंगे ना तो वो भी नहीं है। अच्छा, नहीं वो कई बार वेट, देखो वेट क्या होता है, कई बार खाना खाने से वेट नहीं बढ़ता, खाकर जो हजम ना उससे वेट बढ़ता है। पेट पर ठंडी पट्टी बांधी फिर आपने? नहीं अभी नहीं बांधी वो, मतलब बांधो पेट पर ठंडी पट्टी बांध देंगे तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा जी। तो हम ब्रेक में दिखा भी देंगे, जैसे अब ब्रेक में आएगा तो ब्रेक के बाद दिखा भी देंगे आज पेट पर कैसे ठंडी पट्टी बांधी जाती है, तो उससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा जी। एक तो ये पेट पर ठंडी, खाना खाने के बाद एक कप गर्म पानी पिए घूट घूट कर, उससे आराम पड़ेगा। और इस आटे की रोटी खाएं, गेहूँ की, चने की और जौ की, गेहूँ चना और जौ रोस्टेड करके इसकी रोटी खाएंगे तो इससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा भून कर इस आटे की। और दूसरा, गर्म पानी में
एक नींबू निचोड़ कर एक या दो नींबू और उसमें एक चम्मच शहद डाल लें, ये पियेंगे तो ये वेट धीरे धीरे टूटने लग जाएगा। और जो सफ़ेद पेठा होता है, सफ़ेद पेठा जिसकी मिठाइयाँ बनती है, इसका आप जूस पिए, इसके जूस से भी वेट टूटने लगेगा। ये प्रयोग करें 3-4 महीने, फिर हमारे को बताएं क्या फ़र्क पड़े आपको। जी डॉक्टर साहब, दिल्ली से एक SMS है, नाम है सोमेश। ये कहते हैं 21 वर्ष के हैं, अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? देखो, ये तो हाइट के लिए तो गाजर टमाटर चुकंदर का जूस बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। जो हॉर्मोन्स की गड़बड़ी होती है किसी के कारण, जैसे वेट हाइट ना बढ़ती है तो बढ़ने लग जाती है, तो यही प्रयोग कर लें। जब भी सर्दी आए, हर सर्दी के मौसम में गाजर टमाटर चुकंदर इसका बीट का यानी इनका जूस पियेंगे तो हाइट बहुत अच्छी निकलने लग जाएगी। जैसे डॉक्टर साहब, आजकल गाजर और वो तो नहीं आती है, लेकिन चुकंदर टमाटर का ले सकते हैं। आजकल तो अनार का आता है, तो अनार का भी पी सकते हैं बच्चे, उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ जाएगा। हमारे साथ अरुणा जी जुड़ी हैं महाराष्ट्र से। हेलो जी सर, अरुणा बोल रही हूँ मैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वास्थ्य संजीवनी में, क्या पूछना चाहेंगी? जी सर, मैंने ना आपका ये मेडिसिन मैं 3 महीने से ले रही हूँ। मैंने पहले स्कीम मंगाया था 2+1 और अभी सेकेंड टाइम मंगाया है। हाँ, किस चीज के लिए? वेट लूज के लिए। अच्छा, कितना वेट कम हुआ जी? मेरा कुछ भी सर कम नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं आपको वापस जानना चाहती थी। मैं आपका वो हल्दी वाला दूध भी रेगुलर पी रही हूँ। हाँ, दूध पी रहे हो? बकरी का पानी भी सर पूरा पी रही हूँ। किसका थायराइड तो नहीं आपको? कुछ भी नहीं है सर, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए, थायराइड, डायबिटीज, A to Z सारे टेस्ट करवा लिए। जैसे हल्दी का दूध पी रहे थे तो उससे क्या फायदा हुआ आपको? सर उससे मेरा थोड़ा बॉडी का पेन जो रहता था, मेरे को ये सर्वाइकल का प्रॉब्लम है थोड़ा, उससे मेरे को वो थोड़ा मतलब वो कम हो गया। अच्छा, मेरा पेन कम हो गया, लेकिन वेट बिल्कुल कम नहीं हो रहा सर। जितना है 78 पर ही खड़ा हुआ है। कई बार क्या होता है, वेट टूट कर नहीं देता, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अब ऐसा करना, सुबह है ना नींबू पानी पीना, गर्म पानी में 2-3 नींबू निचोड़ के और 1 चम्मच शहद डाल के ये भी पियो, और उसी में वैदिक अमृत भी डाल लेना भले ही साथ में, तो ये वेट अब टूटने लगेगा। क्योंकि हो सकता है कई बार 3-4 महीने लग जाते हैं, वेट नहीं टूटता, लेकिन दर्द आराम पड़ गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये करें, और पेट पर ठंडी पट्टी बांधते हो आप? नहीं सर, वो ही नहीं। पेट पर ठंडी पट्टी बांधो और खाना खाने के बाद फिर गर्म पानी पियो, तो अब की बार अच्छा रिजल्ट आएगा। हो सकता है कई बार 2-3 महीने लग जाते हैं वेट टूटने में, बड़े यानी ये भी बहुत बड़ी बात है। 78 पर रुका हुआ है, तो अब की बार बताओ 3 महीने लेने के बाद कितना वेट कम हुआ? क्या क्या भेजा था वैसे संस्था की तरफ से आपको? ने टैबलेट भेजा था, पाउडर भेजा था, और अभी ये सेकेंड टाइम मुझे उन्होंने पाउडर टैबलेट और एक छोटे छोटे पैकेट में। हाँ, वो अब का तेज करके भेजा होगा, थोड़ा सा तेज करके भेजा होगा। तो अब ये खाकर फिर बताना जी 3 महीने बाद, वो संस्था में फोन करके बताना, वैसे तो हम खुद ही पूछेंगे। तो अब की बार वेट कम होना चाहिए, क्योंकि अब तो 6 महीने हो जाएगा। 3 महीने का मंगाया आपने? बिल्कुल, और 3 महीने का मंगाया। हाँ ना, ठीक है ठीक है ठीक है, ये अब की बार बता रहा है, क्योंकि अब टूटने लग जाएगा वेट। और ये नींबू पानी पियोगे ना 2-3 जैसे नींबू, वो और भी जल्दी से वेट तोड़ेगा जी। डॉक्टर साहब, एक SMS हमें मिला है उड़ीसा से, नाम है रिजवाना। ये कहती है कि इनकी स्किन ऑयली है और जिस वजह से इनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाने निकलते रहते हैं। हाँ, साथ ही पूछा है कि शरीर में रेडिश निशान भी हैं, कुछ स्क्रैचेस होते रहते हैं। ये क्या होता है, एलर्जी का जैसे रोग हो जाता है, उसके कारण भी बन जाते हैं। एक तो क्या करें, हल्दी को गर्म करके शहद मिलाकर ये चेहरे पर लगाएं, फिर गुलाब जल से चेहरा धो लें और सुबह मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाएं पूरे शरीर पर, तो और भी ज़्यादा इनको लाभ मिलेगा। फिर अपना नहा लें जी। महाराष्ट्र से एक SMS डॉक्टर साहब मिला है, लास्ट डिजिट 886, नाम है रिहाना। ये कहती है कि इन्हें एलर्जी है, बाल झड़ रहे हैं और शरीर पर सूजन भी है। देखो, सूजन है, एलर्जी है, तो सूजन के लिए तो धनिया का पानी लें, साबुत धनिया 2 चम्मच के लगभग रात को पानी में भिगो दें, सुबह इसे उबाल के पी लें। जब ये 50% रह जाए नहीं आधा रह जाए तो छान के अपने पिए, ये सूजन को उतार देगा। एलर्जी में सेब का जूस पिए लगातार, तो सेब का जूस हर तरह की एलर्जी को ख़त्म कर देता है। तो एलर्जी का ये इसका तो सेट ही मंगा लें एलर्जी का, तो 8-9 महीने लग के कोर्स कर लें, भगवान ने चाहा तो एलर्जी का बहुत अच्छा आराम पड़ेगा इनको। क्या एलर्जी के जो लोग हैं डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग हैं जो पूछते हैं किसी न किसी रूप में, क्या वो दूध में हल्दी डालकर पी सकते हैं? नहीं, हल्दी डालकर तो पी सकते हैं, हल्दी का तो कोई नुकसान नहीं। सेब का जूस भी बहुत अच्छा काम करेगा, अदरक का भाप छाती सिखाई ये भी काम करेगा, क्योंकि एलर्जी के रोग में वैसे 3 साल लग जाते हैं मतलब ठीक होने में तो पूरी तरह, लेकिन 9 महीने में अच्छा रिजल्ट आ जाता है। चर्चा बनी हुई है, आप भी हमारे साथ बने रहिए, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।